नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज से ये इलेक्ट्रिशियन जो कि आपका इसकी क्लास चलेगी, अब आपको यहाँ पे डेली आना होगा, डेली क्लास चलने वाली है। और इलेक्ट्रिशियन का हम लोग सिलेबस धीमे धीमे करके सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इस बुक का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसकी लिंक। और बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल शुरू करते हैं, तो मैं डायरेक्ट चैप्टर वन से स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रिशियन का आप कह लीजिए सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। ठीक, अब देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे आपको सेफ्टी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब आप कहीं भी वर्क करने जाते हैं, किसी भी जो है इंडस्ट्री में वर्क करने जाते हैं या किसी भी वर्क प्लेस पर आप वर्क करने जाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी से काम नहीं करते हैं तो वहाँ पर आप की जान को और बाकी लोगों की जान को भी खतरा होता है। तो यहाँ पे कुछ डिटेलिंग दी गई है DGT, NCVT, CTS वगैरह के बारे में। यहाँ कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए। ठीक, आप NCVT का फुल फॉर्म याद रखिए, आप CTS क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम और ATS, इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा बस। ठीक, और लास्ट में आपका था NSQF, बस। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ठीक, सीधे सीधे चैप्टर की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपका स्कोप दिया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्या स्कोप है, क्या आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, किस तरह की आप जॉब कर सकते हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं इलेक्ट्रिशियन और फिटर की, सारी यहाँ पे आपको दी हुई हैं। ये है आपकी की स्किल्स, क्या ज़रूरी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, एक कैरियर प्रोग्रेस पाथवे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद से आप खुद का जो है अगर आपको कोई बिजनेस डालना है, खुद से एम्प्लॉयमेंट करना है, आपको खुद से पैसे कमाने हैं बिना किसी के अंडर काम किए हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ आपकी आती है बेसिक सेफ्टी। ये आती है आपकी सेफ्टी प्रैक्टिस हैंड टूल के अंदर, सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइंस एंड हैजार्ड्स। अब देखिए यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही मार्कआउट करूँगा। सबसे पहला ये ऑलरेडी बोल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत करण के जो जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन अगर यही नौकर एक मास्टर बन जाता है, ओनर बनता है, तो वो बहुत बेकार चीज़ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप पे अगर हावी हो गई तो काम ख़त्म। इलेक्ट्रिसिटी आप पे हावी नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को आप कंट्रोल में रखिए। इलेक्ट्रिसिटी आपको अगर कंट्रोल करने लगेगी तो उस दिन खेल ख़त्म होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं, जो लोग क्वालिफाइड हों वही इलेक्ट्रिकल काम करें। वर्कशॉप फ्लोर क्लीन रखना है, टूल्स इन गुड कंडीशन एंड प्रॉपर प्लेसेस, टूल्स वगैरह का आपको ध्यान रखना है। लाइव सर्किट पर काम नहीं करना चाहिए, लाइव सर्किट पर कभी काम नहीं करना चाहिए। अगर अनअवॉइडेबल है, अगर इंडस्ट्रीज में आप काम करने जाते हैं तो हमेशा वहाँ लाइव सर्किट पर ही काम किया जाता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सेफ्टी ध्यान रखना है। जैसे रबर के मैट्स हो गए, रबर के ग्लव्स हो गए, रबर के शूज़ हो गए, इंसुलेशन प्रॉपर रखनी है आपको। जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपरली चेक करके यूज़ करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वुडन और PVC इंसुलेटेड हैंडल, स्क्रू ड्राइवर्स, डू नॉट टच बेयर कंडक्टर्स, आपको बेयर कंडक्टर्स खुली तारों को नहीं छूना है। ठीक, सोल्डरिंग करते हो हॉट सोल्डर आयरन को स्टैंड में रखना है, ठीक, कहीं इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक, बेसिक बेसिक सेफ्टी प्रैक्टिसेज है। यूज़ ओनली करेक्ट कैपेसिटी फ्यूजेज इन द सर्किट, ओवरलोड नहीं होना चाहिए सर्किट में कभी भी। रिप्लेस और रिमूव फ्यूज ओनली आफ्टर स्विचिंग ऑन। हाँ, वही चीज़ है कि आपको लाइव वायर पर काम नहीं करना है। ठीक, एक्सटेंशन कॉर्ड विद लैम्प गार्ड्स टू प्रोटेक्ट लैम्प अगेंस्ट ब्रेकेज। लैम्प जो आप अगर CFL यूज़ करते हैं या पुराने वाले जो लैम्प्स आते थे आर्गोन वाले जो येलो कलर के बल्ब जलते हैं, उनको बिना प्रोटेक्शन के नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर वो टूटेंगे तो हाँ आग लगने की चांसेस हो सकते हैं। ठीक, या सॉकेट प्लग स्विचेज एंड अप्लाइंसेज व्हेन देयर गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन के ही एक्सेसरीज यूज़ करें, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, अदरवाइज सेफ्टी का इशू आता है।
इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को टेम्प्रेरी वायरिंग से नहीं बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये गलती बहुत लोग करते हैं, ठीक, ये गलती हम लोग बहुत घर में भी करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को टेम्प्रेरी वायरिंग से नहीं बढ़ाना चाहिए। एक टेम्प्रेरी नहीं, तार ऐसे लगा देते हैं दो ठो, नहीं वो चीज़ नहीं करनी है। वुडन टूल, इंसुलेटेड लेडर वायर रिपेयरिंग लाइन, बेसिक सेफ्टी आपकी, बेसिक सेफ्टी। स्टैंड ऑन रबर मैट्स हो गया। पोजीशन द लैडर ऑन फिर्म ग्राउंड, ठीक, लैडर को जो है एक बहुत ठोस ग्राउंड पे आपको रखना है, ठीक। आस्क द हेल्पर टू होल्ड द लैडर अगेंस्ट एनी पॉसिबल स्लिपिंग। आप जब लैडर यूज़ कर रहे हो, आप सीढ़ी यूज़ कर रहे हो, जो टेम्प्रेरी आपकी सीढ़ी होती है, उसको हमेशा किसी को पकड़वा के चढ़ना है, ठीक। यूज़ सेफ्टी बेल्ट वाइल्ड वर्किंग ऑन पोल्स, ठीक। अगर आप कहीं ऊपर जगह पर जाते हो, सेफ्टी बेल्ट तक आप गिरो ना। नेवर प्लेस योर हैंड ऑन, ठीक, कोई भी रोटेटिंग पार्ट है, गियर्स हैं, मशीन है, उसके आसपास हाथ उतना नहीं चलाना है। ये है आपका ऑपरेशन एंड प्रोसीजर। केबल वगैरह को टेस्ट करना है, इंसुलेटिंग इंसुलेशन के साथ रखना है। बेसिक आपकी सेफ्टी प्रैक्टिस है, ठीक। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये आगे भी इसको वो किया गया है, क्योंकि आपकी बेसिक बेसिक आपकी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, है ना, कॉमन सेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कॉमन सेंस आपका अगर काम नहीं करेगा, आपका नॉर्मल, आप थिंक नहीं कर पा रहे हैं किस तरह किस चीज़ को करना है, तो आप उस काम को मत करिए, ठीक। बेसिकली ये है आपका सेफ्टी प्रैक्टिस फर्स्ट एड, आपका इलेक्ट्रिक शॉक के ऊपर। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पे क्या करना चाहिए, ठीक। बेसिकली आपको जो है पावर सप्लाई कट करनी चाहिए सबसे पहले, ठीक। उसके बाद उनको लिटा देना चाहिए, ठीक। ये इस पार्ट में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट एड का पार्ट है और मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी भी है। कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले आप पावर सप्लाई कट करिए। सबसे पहले आपको पावर सप्लाई पे ध्यान होना चाहिए, उसके बाद आपका वुंड्स पे ध्यान होना चाहिए कि भाई ज़्यादा चोटें तो नहीं लगी, इंसान सांस ले रहा है कि नहीं, वो अभी ज़िंदा है कि नहीं। अगर आपसे संभल नहीं रहा है तो तुरंत आप एम्बुलेंस को कॉल करिए, तब तक के लिए। अगर कोई भी वुंड्स है, कोई भी इंजरी है, तो उसको आप, है ना, उसको ये देखिए, आप बैंडेज लगा के आप रुकिए, उस पर प्रेशर लगा के उसको रोकिए, ठीक। ब्लीडिंग रुकनी चाहिए, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियली रेस्पिरेट करना है आपको, उनको सांस देनी है खुद से। फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, रोड साइंस, ठीक। अब ये रोड साइन वाला टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ, रोड सिग्नल का टॉपिक मैं स्किप इसलिए करूँगा क्योंकि रोड सिग्नल का टॉपिक लेगा टाइम और ये आता नहीं है ज़्यादा, ठीक। रोड सिग्नल किसी काम का नहीं, आपके एग्ज़ाम में आने वाला भी नहीं है, ठीक। रोड सिग्नल आपको लेकिन पता होना चाहिए, आपको पढ़ना है, पीडीएफ नीचे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। रोड सेफ्टी और साइन आपको खुद से पढ़ना है, ठीक। आप आते हैं सेफ्टी साइंस के ऊपर। सेफ्टी साइन क्या होते हैं, सेफ्टी साइन आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप जहाँ काम करने जा रहे हैं, तो आपकी और आपको जो काम दे रहा है, उन दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वर्क प्लेस पे किस सेफ्टी का ध्यान रखना है, किस चीज़ों को अप्लाई करना है, किस चीज़ों को अप्लाई नहीं करना है, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब आप दोनों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। यहाँ रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, सेफ्टी साइंस। सेफ्टी साइन आपको बिना देखे काम नहीं करना, आप कहीं भी जाइए वहाँ हर जगह सेफ्टी साइंस लगे होते हैं, ठीक। ये ज़्यादा नहीं पूछता है, पूछता क्या है मैं वो बताता हूँ। पूछता ये है कि साइन होते कौन से हैं, जैसे ये ना प्रोहिबिशन साइंस आ गया आपका, मैंडेटरी साइंस आ गया, वार्निंग साइंस आ गया, और आपका इंफॉर्मेशनल साइंस आ गया, ये चार तरह के साइन होते हैं, ठीक। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, ठीक, फ़र्क आपको सामने दिया हुआ है। भाई प्रोहिबिशन साइन का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेड है चीज़ें। प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिटेड चीज़ें, मतलब आप वो चीज़ वहाँ नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड है मतलब प्योरली से डिसइंटीग्रेटेड है, आप वहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ ऐसे सिगरेट बना हुआ है, यहाँ इस पर कट है, ठीक, आपका रेड बॉर्डर है, क्रॉस बार, ब्लैक सिंबल ऑन वाइट बैकग्राउंड, सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह का ये आपको दिखता है ना, ये किस तरह का दिखता है, यहाँ यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, शोज इट मस्ट नॉट बी डन, ठीक।
ये नहीं करना है। प्रोहिबिशन साइन मतलब ये आपको नहीं करना है, प्रोहिबिटेड है ये चीज़ें, एकदम से मना है। नो स्मोकिंग वगैरह का साइन हो गया, और आपका नो ड्रिंकिंग का साइन होता है अक्सर कई जगहों पे, और बेसिकली सबसे जो कॉमन है नो स्मोकिंग ही होता है, और जो दूसरे साइंस आते हैं वो आपकी नो पार्किंग वगैरह के साइंस आते हैं, ठीक ना, ये नो यू टर्न वगैरह के साइन आते हैं, नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, है ना, इस तरह के जो साइंस होते हैं वो प्रोहिबिशन की, वो चीज़ आप नहीं कर सकते, वो चीज़ एकदम मना है, ठीक। दूसरा आता है आपका मैंडेटरी साइंस। मैंडेटरी साइंस का मतलब ये चीज़ तो ज़रूरी है, मैंडेटरी का मतलब ये चीज़ तो करनी ही है, शोज व्हाट मस्ट बी डन, ये तो करना ही है भाई, इसको तो आप नहीं छोड़ सकते। वाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड, इसको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंडेटरी साइंस आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। मैंडेटरी साइंस में जनरली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं आपके, जैसे वियर ग्लव्स हो गया, वियर हेलमेट, वियर आपके जो भी PPE होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको वो चीज़ें करनी है, ठीक। ये मैंडेटरी साइंस है, वियर रेस्पिरेटर, वियर मास्क, ठीक, ये सारे मैंडेटरी साइंस आते हैं, ये आपको करना ही करना है। फिर आते हैं आपके वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस तो बहुत कॉमन है, ये इलेक्ट्रिकल डेंजर वाला साइन आपने देखा होगा, है ना, ये इलेक्ट्रिकल डेंजर वाला साइन जो है, ये आपका येलो बैकग्राउंड विद ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल, ये जनरली आपका ट्राइंगल में ही आता है, ठीक। वार्निंग साइन होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर अहेड, है ना, ये सारे वार्निंग साइंस होता है आपके, कि आपको वार्न करते हैं, ठीक। इनसे इमीडिएट डेंजर नहीं होता है, लेकिन इससे हैजार्ड की वार्निंग होती है, ठीक, मतलब यहाँ पे डेंजर हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक। ये होता है आपके वार्निंग साइन, जनरली हैजार्ड के, ये हैजार्ड है ना, हैजार्ड और डेंजर का ही जनरली साइन होता है आप, और ट्राइंगुलर रहते हैं ये। चौथा आपका आता है इंफॉर्मेशनल साइन। शेप स्क्वायर और ऑबलोंग होता है आपका, स्क्वायर होगा या ऑबलोंग शेप होगा आपका, ठीक, और इसका वाइट सिंबल और ग्रीन बैकग्राउंड, जनरली इसका हॉस्पिटल हो गया। इंफॉर्मेशनल साइंस का मतलब जनरली जैसे ऑफिस हो गया, है ना, टॉयलेट कहाँ पे है, ऑफिस कहाँ पे, क्लासरूम्स कहाँ पे हैं, है ना, फर्स्ट एड कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे एग्जिट है, कहाँ पे एंट्री है, ये सारे साइन होते हैं। ये बेसिक होते हैं कि कहाँ पे सेफ्टी प्रोविजंस है, कहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है। आपने देखा होगा रोड वगैरह पे जो इन्फॉर्मेटरी साइंस होते हैं वो हमेशा ग्रीन होते हैं, कि ये रोड यहाँ जा रही है या ये जो डेस्टिनेशन है वो कितनी दूर है, तो वो इन्फॉर्मेशनल साइन के अंडर आते हैं। फिर आपके यहाँ प्रोहिबिशन साइन, देखिए सारे पढ़ा दिए मैंने, ठीक, यहाँ पे उसकी एग्जांपल दिए हैं कि भाई प्रोहिबिशन साइन, नो स्मोकिंग हो गया, डू नॉट एक्सटिंग्विश विद वाटर, ठीक, पानी से कुछ फायर्स को एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता है, वो अभी आगे आएगा, अगला चैप्टर वही है। पेडेस्ट्रियंस प्रोहिबिटेड, ठीक, पेडेस्ट्रियंस कोई अंदर नहीं आएगा, कोई पैदल चल के नहीं आएगा, ठीक। मैंडेटरी साइंस यहाँ आपको दिया, देखिए हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, ईयरिंग प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटर आपकी नोज़ की प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी हार्नेस या बेल्ट, एडजस्टेबल गार्ड, वॉश हैंड, ये सब मैंडेटरी साइन, ये आपको करने ही करने हैं, ये आपको करने हैं। अगर आप वर्कशॉप में घुसते हो और आपको आता है वियर रेस्पिरेटर, तो आप भाई आपको रेस्पिरेटर पहनना ही पहनना है, आपको रेस्पिरेटर पहनना ही पहनना है, चाहे जो हो जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहाँ मना कर दो, ठीक। मैंडेटरी साइंस ज़रूरी होते हैं। फिर आपका आता है वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस मतलब भाई ये आपकी वार्निंग है कि भाई आप देख लो डेंजर है, ठीक, आप इसको किस तरह से डील करते हो ये आपके ऊपर, ठीक, जैसे रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, टॉक्सिक हैजार्ड, कोरोजिव सब्सटेंस, ये अपने आप में डेंजर नहीं है, अगर इनको गलत तरीके से हैंडल किया गया तब ये डेंजर है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ओवरहेड लोड, ठीक, ये ओवरहेड लोड, अगर ओवरहेड लोड आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक, तो आपके सर पर गिर जाएगा, सीधी सी बात है। तो ओवरहेड लोड का आपको ध्यान, कोई भी चीज़ है उसका आपको, है ना, जनरल जो है वार्निंग यहाँ दिया हुआ है ना, जनरल वार्निंग दिया होगा, जनरल वार्निंग या जनरल रिस्क ऑफ डेंजर, ठीक, कुछ भी डेंजर हो सकता है, आपको वहाँ संभल के रहना है, बस थोड़ी सी अपने प्रिकॉशन लेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। फिर आता है यहाँ, तो मैंडेटरी साइंस ख़त्म हो गया, हाँ, अब आता है फायर। फायर भाई, फायर क्या है, फायर है आग, फायर है आग, सेफ्टी प्रैक्टिस हैंड टूल, फायर टाइप्स एंड एक्सटिंग्विशर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम में ये साइंस पूछेगा आपसे, फिर आपसे फायर पूछेगा, उसके बाद साइन के बाद फायर ही पूछेगा, सबसे ज़रूरी है ये, सेफ्टी में सबसे पहले यही पूछा जाता है। तो फायर के बारे में यहाँ दिया हुआ है, आग के बारे में दिया, फायर होती क्या है भाई, फायर इज़ द बर्निंग ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल, कोई भी चीज़ जो ज्वलनशील होती है, कोई भी चीज़ जो जल सकती है उसका जलना,
उसको फायर बोलते हैं। ठीक, अ फायर इन एन अनवांटेड प्लेस ऑन एन अनवांटेड ओकेजन इज इन एन अनकंट्रोलेबल क्वांटिटी कैन कॉज डैमेज और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड मटेरियल्स। कोई भी आग जहाँ नहीं होनी चाहिए या जिस टाइम नहीं होनी चाहिए वहाँ पे लगी हुई है तो वो हमेशा प्रॉपर्टी और लाइफ को हमेशा थ्रेट होती है, प्रॉपर्टी या लाइफ हमेशा डैमेज करती है। देखिए, इट माइट इंजर पीपल एंड समटाइम्स कॉज लॉस ऑफ लाइफ एज वेल। लॉस ऑफ लाइफ और सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू यहाँ पे आ जाता है। इज़ इट पॉसिबल टू प्रिवेंट फायर? यस। ठीक, इसके बारे में आगे बताऊँगा क्योंकि फायर के टाइप्स होते हैं, आप उसी हिसाब से फायर को डील करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ जस्ट 2 मिनट में इसके ऊपर आ रहा हूँ। फायर को समझने के लिए हमको 3 चीज़ समझनी पड़ती है। फायर ट्राइंगुलर आपको दिया हुआ, फायर ट्राइंगल, यहाँ स्पेलिंग गलत है, ट्राइंगल होगा। फायर ट्राइंगल मतलब एक फायर 3 चीज़ों से जलती है। ठीक, फ्यूल से, फ्यूल फ्यूल मतलब आपका जो चीज़ जल रही है। ठीक, फ्यूल मतलब जो चीज़ आपकी जल रही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है गैस, ऑक्सीजन की वजह से ही आग जल सकती है। तीसरा आपका होता है हीट, अगर फ्यूल है, ठीक, कपड़ा है, कपड़ा जलता है, ऑक्सीजन है, तो जब तक उसको प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी, जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा, तब तक वो नहीं जलेगा, तब तक वो नहीं जलने वाला है। ठीक, और आपका फायर हमेशा 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक, अब देखिए, फ्यूल हो गया, एनी सब्सटेंस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस विल बर्न इफ देयर इज ऑक्सीजन एंड हाई इनफ टेम्परेचर। अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो रखे रखे खुद से नहीं जलेगा, कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करने का सोर्स होता है तभी आग लगती है। हीट बाई एवरी फ्यूल विल बिगन टू बर्न एट अ सर्टन टेम्परेचर। कोई भी फ्यूल होगा जो चीज़ जल सकती है वो एक सर्टन टेम्परेचर के बाद जलने लगेगी। ठीक, जैसे यहाँ पेट्रोल का टेम्परेचर दिया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, उस पर उसके वेपर जनरेट होते हैं। ठीक, वो 15 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल वेपर, पेट्रोल आपको पता है वेपर देता है, वो उसके वेपर में आग लगती है, कभी भी पेट्रोल में आग नहीं लगती है, हमेशा किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड के वेपर में आग लगती है। फिर आता है ऑक्सीजन, यूजुअली एग्जिस्ट इन सफिशियंट क्वांटिटी इन एयर टू कीप अ फायर बर्निंग। ऑक्सीजन तो हवा में पर्याप्त है ही। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, ये है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। फायर एक्सटिंग्विश करना मतलब फायर को ख़त्म कर देना, फायर को बर्निंग से रोक लेना, फायर को बुझा देना, आग को बुझा देना। फायर एक्सटिंग्विश करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक, ये तीनों पूछे जाते हैं ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। स्टार्विंग, स्मोदरिंग और कूलिंग। ठीक, मैंने बोला था ना पहले यहाँ पे कि आपकी फायर 3 चीज़ों से बनती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अगर इनमें से आप एक भी चीज़ हटा देते हैं तो फायर आपकी नहीं जलेगी, आपकी आग नहीं जलेगी। आप ऑक्सीजन हटा दोगे, फ्यूल और हीट होगी तो नहीं जलेगा, आप फ्यूल हटा दोगे, ऑक्सीजन और हीट होगी तब भी नहीं जलेगा, आप हीट हटा दोगे, फ्यूल और ऑक्सीजन होगा तब भी नहीं जलेगा। इन तीनों में से कोई एक कंपोनेंट हटाने से फायर अपने आप बुझ जाती है। तो भाई सिंपल सी बात है, आग आपको बुझानी है, इन तीनों में से एक चीज़ आप हटा दो, सिंपल है, ऑक्सीजन है, हीट है, फ्यूल है, इन तीनों में से आप एक चीज़ हटा दो, फायर अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि आप तीनों को नहीं हटा सकते, आप तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं हटा सकते, तो इनमें से आप एक चीज़ हटा दो, आपकी फायर अपने आप बंद हो जाएगी। यहाँ पे वही चीज़ दिया है, द फायर ऑफ फ्यूल रिमूव्स दिस एलिमेंट, आइसोलेट द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और आपका कूलिंग। ठीक, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक, स्टार्विंग क्या होता है? स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा, स्टार्व करना मतलब भूख लगना। आग के लिए उसका खाना क्या है? आग के लिए उसका खाना है जिस चीज़ पे वो जल रहा है। अगर कपड़े पे आग लगी है तो आग के लिए कपड़ा उसका खाना है। ठीक, अगर आग पेपर के बंडल पे लगी है तो पेपर उसके लिए खाना है। अगर आग जो है इलेक्ट्रिकल किसी आउटलेट पे लगी है तो जो आसपास के प्लास्टिक के वो है इक्विपमेंट्स है वो है उसका खाना। तो स्टार्विंग का मतलब होता है कि फ्यूल आप आग में से हटा दो। जैसे आप गांव में आग जलाते हो, फायर प्लेस पर आग जलाते हो, तो आग बुझाने के लिए क्या करते हो? क्या उसमें पानी डालते हो? नहीं, जनरली पानी नहीं डाला जाता है, आप उसमें से लकड़ियाँ हटा लेते हो, है ना, आप उसमें से लकड़ियाँ हटा लेते हो, आग अपने आप बंद हो जाती है। ठीक, तो स्टार्विंग का मतलब होता है कि जो चीज़ जल रही है, स्टार्विंग का मतलब भूखा होता है ना, तो भाई जो खाने की चीज़ है, जो आग खा रही है, उसको आप हटा दीजिए तो अपने आप जो है आपकी आग बुझ जाएगी। दूसरा होता है स्मदरिंग। स्मदरिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना। स्मदरिंग का मतलब हिंदी में होता है कि उसको दबा के रखना। ठीक,
स्मदरिंग का मतलब ऐसे गला दबाने टाइप को समझ लीजिए, खैर होता नहीं है। स्मदरिंग का मतलब उसकी आप ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दीजिए, ऑक्सीजन सप्लाई काटने की वजह से आपकी फायर अपने आप रुक जाएगी, सिंपल सी चीज़ है। तीसरा कूलिंग है भाई, आप पानी से या किसी अभी AFFF पढ़ेंगे आप, एक्वेस फिल्म फॉर्मिंग फोम वगैरह से, या कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उससे अगर आप जो सब्सटेंस जल रहा है उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं तो अपने आप रुक जाएगा भाई। तीनों सेम चीज़ है, स्टार्विंग में आप फ्यूल हटाते हो, स्मोदरिंग में आप ऑक्सीजन हटाते हो, और कूलिंग में आप हीट हटाते हो। तीनों एक एक चीज़ हटती है, तो तीन तरीके हैं आग बुझाने के। ठीक, यहाँ है प्रिवेंटिंग फायर की भाई फायर बचाई कैसे जाए। ठीक, एक देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे रिमूविंग एनी वन ऑफ दिस फैक्टर्स विल एक्सटिंग्विश द फायर। अगर आपने इन तीनों में से एक भी चीज़ हटा दी तो फायर अपने आप रुक जाएगी, आग अपने आप बुझ जाती है। फिर आता है प्रिवेंटिंग फायर्स। ठीक, क्योंकि आपने एक पॉपुलर कोट सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक, अगर वो चीज़ हो ही ना तो हमको दिक्कत नहीं है, है ना। कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने ज़्यादा अच्छा है कि बीमारी हो ही ना, तो आग को बुझाने से अच्छा है कि आग लगे ही ना। ठीक, तो आपको भाई सिंपल ये है कि भाई कोई भी वेस्ट और एक्यूमुलेशन ऑफ कम्बस्टिबल रिफ्यूज़ जो कि आपका ख़राब कॉटन वगैरह है, स्क्रैप वुड है, पेपर है, ठीक, उसको कहीं भी इकट्ठा मत होने दें, है ना। कहीं भी ऐसी जगह कोई नहीं होनी चाहिए जहाँ आग लग सके। ठीक, कहीं भी मिसयूज़ और नेगलेक्ट में नहीं होना चाहिए, लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, रॉन्ग रेटेड ओवरलोड सर्किट्स में अक्सर सबसे ज़्यादा आग ओवरलोड सर्किट्स में लगती है, इलेक्ट्रिकल फायर सबसे ज़्यादा ओवरलोड सर्किट्स में लगती है। क्लोथिंग वगैरह अगर आग लगती है तो हीटर वगैरह से दूर रखना है आपको, है ना। बेसिक आपकी जो सेफ्टी प्रैक्टिस है यहाँ काम आएगी कि भाई कहीं भी आग ऐसे नहीं लग जानी चाहिए। कोई भी अगर हीट सोर्स है तो उसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए जो जल सकता है। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड पेट्रोलियम मिक्सचर्स शुड बी स्टोर्ड इन फ्लेमेबल मटेरियल स्टोरेज एरिया। उनका पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो स्टोर हो, किसी दूसरी चीज़ों से, किसी हीट सोर्स से अलग रखना है उनको। ठीक, फिर आता है बेसिक ब्लो लैम्प्स और टॉर्चेस को आपको जला के नहीं छोड़ना है। और फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब ये बहुत ज़रूरी है, ठीक, ये एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको फायर एक्सटिंग्विश करनी है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि फायर लगी किस में है। क्योंकि आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर पे हमेशा लिखा होता है बड़े बड़े लेटर्स में A, B, C या D। ठीक, किसी में चारों लिखा होता है, किसी किसी में ए और बी लिखा होता है, किसी में बी और सी लिखा होता है, किसी में ए और सी लिखा होता है, किसी में ए और डी लगा होता है, सब में लिखा होता है ताकि आपको पता हो कि ये फायर एक्सटिंग्विशर इस फायर के साथ काम करेगा। मतलब जो आग लगी है उसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हमको यूज़ करना है, कौन सा अग्निशामक यंत्र हमको यूज़ करना है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये आपको तभी पता होगा जब आपको पता होगा कि आग किस चीज़ पे लगी है, क्या चीज़ जल रही है। ठीक, क्योंकि अगर आप गलत फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो बुरा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बेकार ही होंगी चीज़ें। ठीक, फायर क्लासिफिकेशन एंड फूल, ठीक, एक्सटिंग्विशिंग मेथड है क्लास ए फायर। ठीक, सिंपल सा क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में वो चीज़ आती है जो सबसे कॉमन है जलने में। आप अपने बेडरूम में घुसिए, जो आपको सबसे पहले चीज़ मिलेगी वो क्लास ए फायर में आएगी। सिंपल सा इसका याद करने का टेक्निक है। क्लास ए फायर का मतलब सबसे सिंपल जो चीज़ें हैं, आपकी लकड़ी हो गई, आपका कपड़ा हो गया, आपका पेपर हो गया, आपकी प्लास्टिक हो गई, ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ना, जो आपको आप अपने बेडरूम में घुसोगे जो आपको सबसे पहले चीज़ें मिलेंगी ना जो जल सकती हैं, वो आपकी क्लास ए फायर में आएगी। ठीक, दूसरा आता है क्लास बी फायर। क्लास बी में आपके आते हैं लिक्विड्स। ठीक, अब ये थोड़ी डेंजरस क्लास होती है। ठीक, फ्लेमेबल लिक्विड्स डेंजरस होते हैं बिना प्रोफेशनल्स के। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक, क्लास बी फायर और क्लास सी फायर डेंजरस होती हैं। क्लास बी और सी फायर। बी फायर आपकी लिक्विड के लिए होती है। लिक्विड मतलब आपका पेट्रोल आ गया, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक, ये सारे पेट्रोकेमिकल्स आ गए। फिर आपके फ्लेमेबल लिक्विड्स आपके इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक, वो आ गए, और एसीटोन आ गया आपका, और जितनी भी चीज़ें आती हैं ना जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होती हैं वो आपके आ जाती हैं। क्लास सी फायर में आता है आपका फ्लेमेबल और हाईली फ्लेमेबल गैसेस। ठीक, एक फ्लेमेबल गैस होती है, एक हाईली फ्लेमेबल गैस होती है। फ्लेमेबल फ्लेमेबल गैस मतलब आपका मीथेन होती है, ठीक,
और हाईली फ्लेमेबल गैस आपकी होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब एलपीजी जो आपके घर में सिलेंडर होता है वो हाईली फ्लेमेबल होती है, वो ज़रा से स्पार्क से जलती है। मीथेन ज़रा से स्पार्क से नहीं जलती, थोड़ा उसको हीट देनी पड़ती है, बिना हीट जनरेट किए वो नहीं जलती है। तो गैसेस के लिए, प्रेशराइज्ड गैसेस के लिए हमेशा क्लास सी फायर होती है। ठीक, अभी इसको याद करने का मैं टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक, और क्लास डी फायर आता है आपका लास्ट में, लास्ट में आती है आपकी क्लास डी फायर, जो कि होती है आपकी मेटल्स की। ठीक, मेटल्स में जनरली अब आपको भाई मेटल में या धातु में आग कहाँ लगती है, तो आपने सोडियम और पोटेशियम का नाम सुना होगा। ठीक, सोडियम और पोटेशियम को अगर आप खुले हवा में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खुद ही जलने लगते हैं। तो उनको आप जो है बुझाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे सीटीसी, या सीटीसी जनरली फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, या बीएफसी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। ठीक, अब इनको याद कैसे करना है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। सॉलिड लिक्विड गैस, आपको बचपन पढ़ाया गया ना मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ए बी सी, काम खत्म हो गया। क्लास ए फायर सॉलिड्स, आपकी जो सॉलिड बेसिकली कॉमन चीज़ें मिलती हैं। लिक्विड आपकी क्लास बी फायर, गैस आपकी क्लास सी फायर। ए बी सी सॉलिड लिक्विड गैस, ए बी सी सॉलिड लिक्विड गैस, काम खत्म। ठीक, ये हो गया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक, क्लास डी में आपका मेटल्स और इलेक्ट्रिकल फायर भी आती है। क्लास डी के बाद भी दो फायर की क्लासेस और होती हैं, क्लास ई और क्लास एफ, बट यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड में क्लास ई और क्लास एफ को नहीं कंस्टिट्यूट किया जाता है, सिर्फ क्लास एफ लिया जाता है। क्लास ई जो है आपके अमेरिकन सेफ्टी स्टैंडर्ड में और ऑस्ट्रेलियन सेफ्टी स्टैंडर्ड में, जो कि हमारे इंडिया में नहीं यूज़ होता है, उसमें क्लास ई को इलेक्ट्रिकल फायर रखा जाता है, बट यूरोपियन सिस्टम में जो हमारे इंडिया में यूज़ होता है उसमें क्लास डी में ही इलेक्ट्रिकल फायर रख दी जाती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक, क्लास डी में ही रख दी जाती है, साफ साफ इन दोनों को साथ में कर दिया जाता है। और क्लास डी है, ई नहीं होती है। फिर क्लास एफ आती है, वो आपके कोर्स में नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। क्लास एफ फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो जनरली आपका किचन में यूज़ होता है। एफ मतलब एफ फॉर फैट्स, ठीक, एफ फॉर फैट्स। ये डी याद करना है, डी क्लास डी, डी फॉर धातु, डी फॉर धातु, धातु फॉर मेटल, मेटल और इलेक्ट्रिकल, वही तार किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं ना, हाँ, डी फॉर धातु, तो क्लास डी के लिए इलेक्ट्रिकल फायर और मेटल की फायर। क्लास एफ, एफ का मतलब फैट, एफ फॉर फैट मतलब एनिमल फैट, आपका घी हो गया, ठीक, और आपका प्लांट बेस्ड फैट हो गया, जो भी आपका तेल वगैरह आते हैं तलने वगैरह के लिए, उसमें अगर आग लगती है तो उसके लिए स्पेशल एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, वो यहाँ पे हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक, अब ये आता है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है। ठीक, मैं सब यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, आपका होता है वाटर, फोम, फायर ब्लैंकेट, पाउडर, CO2, CTC। तो भाई वाटर फायर एक्सटिंग्विशर तो बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा भाई, फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत भी नहीं है वाटर के लिए, तो आप किसी भी कंटेनर में पानी भर के उसको डाल सकते हैं। ठीक, तो वाटर तो बहुत कॉमन है, ठीक, वाटर तो बहुत कॉमन है। फिर आपका आता है फोम। अब फोम क्या होता है, फोम में जनरली जो फोम को और दूसरे भाषा में बोलते हैं, AFFF बोला जाता है, AFFF, एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम। ठीक, एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम का मतलब एक पतली सी लेयर है ना, वाटर को एज अ बेस लेके पतली सी फोम की लेयर बन जाती है। फोम की लेयर बनने से ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट होती है, और एक्वियस होता है वो हल्का सा वाटर का बेस होता है, तो उससे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, जिसके वजह से ये सबसे अच्छा काम करता है आपका लिक्विड्स को। लिक्विड्स को अगर आपकी आग बुझानी है, या क्लास बी सॉलिड लिक्विड गैस बताया ना, सॉलिड लिक्विड गैस ए बी सी मतलब क्लास बी फायर के लिए फोम बहुत अच्छा होता है। ठीक, फिर आता है आपका फायर ब्लैंकेट, यहाँ पे दिया हुआ है। फायर ब्लैंकेट का जनरल यूज़ आपका होता है इंसानों के लिए, ठीक, फायर ब्लैंकेट का किसी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है फायर ब्लैंकेट। ठीक, या कोई छोटा सा स्टैक है कहीं पे, कोई स्टैक रखा हुआ है, कोई चीज़ वो जल रही है, तो उस पर भी आप फायर ब्लैंकेट डाल सकते हैं, हालांकि उसमें जो है फायर एक्सटिंग्विशर से काम हो जाता है, बट फायर ब्लैंकेट जनरली इवैक्यूएशन के लिए यूज़ होता है, मतलब अगर किसी कोई बिल्डिंग में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालना है, उसके लिए फायर ब्लैंकेट यूज़ किया जाता है। ठीक, फिर आपका आता है पाउडर, ठीक, पाउडर बेस्ड,
आपका पाउडर की एक लेयर स्प्रे कर देता है, ये भी जनरली आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। पाउडर और CO2, पाउडर CO2 और CTC, ये तीनों एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए, मेटल्स की फायर्स के लिए पाउडर और CTC, मेटल्स की फायर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, ये तीनों बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, पाउडर में आपको पाउडर एक ड्राई पाउडर भरा होता है प्रेशराइज्ड, वो आपको स्प्रे किया जाता है, पाउडर की एक लेयर चढ़ जाती है। CO2 होता है इसमें या तो बर्स्ट बॉटल होती है, ठीक, या तो सिंगल कॉलम होता है। ठीक, बर्स्ट बॉटल सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम में फ़र्क क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर एक्चुअली दो टाइप के आते हैं। ठीक, एक तो ऐसे सिंपल होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशराइज करके भरी होती है। दूसरा, इसमें ये कंटेनर होता है, इसके अंदर एक दूसरा कंटेनर भी होता है ना, ऐसे इसके अंदर एक दूसरा कंटेनर भी होता है। ठीक, इसके अंदर दो कंटेनर्स होते हैं, दो कंटेनर्स की वजह से, और यहाँ पे ये ऐसे मार्किंग होती है इसकी, दो कंटेनर होने की वजह से आप इस फायर एक्सटिंग्विशर को उल्टा करके ज़मीन पर पटकते हैं तो अंदर वाला ग्लास कंटेनर टूट जाता है और दोनों मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक, तब आपको यूज़ करना होता है। तो ये वाला यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, मैं इसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, CO2 के दो टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं। फिर आपका आता है CTC फायर एक्सटिंग्विशर, जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, या इसमें BFC आ गया, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरिडो मीथेन, BFC आ गया आपका। ठीक, CTC BFC या आपका हेलोन आ गया, बात एक ही होती है। ठीक, ये आपके सबसे अच्छे होते हैं मेटल्स के लिए और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। फिर आता है आपका, हाँ ये सीधा आपका है भाई, फायर सेफ्टी में क्या करना चाहिए। ठीक, हाँ एक और चीज़ की फायर एक्सटिंग्विशर की फ्यूम को आप कोशिश करेंगे ना सूंघें, एक थोड़ी डेंजरस होती है वो फ्यूम्स। फायर एक्सटिंग्विशर तो कैसे काम करना है, ठीक, जो भी चीज़ें यहाँ छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं भाई, क्या करना है आपको, तुरंत बाहर निकलना है पहले। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप घर से बाहर निकल जाइए। ठीक, कोई मतलब नहीं है कि आप फायर एक्सटिंग्विश कर रहे हैं जब आपको फायर एक्सटिंग्विश करनी नहीं आती है। ठीक, और यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी फायर किस तरह की, कौन सी फायर होती है। क्लास ए आपकी वुड, पेपर, क्लोथ और सॉलिड मटेरियल। ठीक, सॉलिड हो गया, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बताए ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन चीज़ें कॉमन आती है। फिर आपका क्लास डी आता है, मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो भी आ गया आपका। ठीक, अब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना है, यूज़ करना बहुत सिंपल होता है। ठीक, यहाँ पे एक सील दी होती है ना, ये सील, इसको तोड़ना होता है। ठीक, इसको आप कट कर सकते हो, तोड़ सकते हो, आप खींच लोगे टूट जाएगा, वो बहुत हल्की सील लगी होती है। फिर आती है आपकी सेफ्टी पिन, ठीक, ये उल्टा क्यों दिया है पता नहीं, ये उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ्टी पिन खींच के निकालिए। ठीक, और नोज़ल को डायरेक्ट आग पे नहीं रखना है, आपको आग के बेस पे रखना है। ठीक, ये आग जल रही है ना, मान लो इस पे आग जल रही है, ठीक, ये चीज़ है, इस पे आग जल रही है, तो आपको नोज़ल को इसकी तरफ रखना है, आग पे नहीं रखना है, आपको नीचे रखना है, जहाँ से आग जल रही है वहाँ से आपको रखना है। ठीक, और उसको नोज़ल को प्रेस करना है, सिंपल सी चीज़ है ये, देखिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए आग पे आपको नहीं रखना है, यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, ठीक, आग पे आपको नहीं रखना है ना, आपको आग पे नहीं रखना है, आपको जो चीज़ जल रही है, जो प्रोडक्ट जल रहा है, आपको वहाँ पे आग, फायर एक्सटिंग्विशर, आपको वहाँ आग बुझानी है। ठीक, अगर आप ऊपर करेंगे तो कोई मतलब नहीं, आग बुझेगी नहीं, फिर जलने लगेगी। ठीक, ये है, ये एक वो दिया हुआ है, याद करने का तरीका है, PASS, पास, पास मतलब पास भाई, पास, पास का मतलब पास ही होता है, और पास का यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। ये बहुत ही कॉमन सा वो है, प्रोसीजर है। ठीक, कि आपको भाई पिन पुल करनी है। ठीक, सेफ्टी सील अगर नहीं लगी है, सेफ्टी सील को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, अगर लगी है तो आप तोड़ दीजिए, जनरली नहीं लगी होती है। ठीक, पुल मतलब आपको ये पिन है, इसको पुल करना है। एम, आपको आग की तरफ इसको नोज़ल को एम करना है कि भाई यहाँ आ गए। स्क्वीज़ मतलब आपको यहाँ नोज़ल प्रेस करना है,
जो नोजल, यहाँ आपको लीवर प्रेस करना है, आपको नोजल में से वो निकलेगी। और स्वीप मतलब आग वही ऐसे छोटे एरिया में जनरली नहीं लगती है, थोड़ा सा बड़ा एरिया था तो उसको स्वीप करना है ऐसे ऐसे इधर राइट टू लेफ्ट, आपको उसको ले जाना है ताकि पूरी आग जो है कवर हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है स्वीप असाइड, स्वीप साइड टू साइड अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर ओवर द फ्यूल फायर अंटिल द फायर इज पुट ऑफ। जब तक आग नहीं बुझ जाती तब तक आप जो है फ्यूल पे थोड़ा सा ऊपर से उसको स्प्रे करना है। फिर आता है आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मेन आपको ऊपर ही टॉपिक था। मेन आपका यही दो टॉपिक्स हैं, ठीक, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर टाइप्स और फायर एक्सटिंग्विशर, बस ये आपका मेन टॉपिक था। उसके बाद ये कुछ खास आपका है नहीं, वही बेसिकली वो है कि भाई सप्लाई वगैरह अनप्लग करिए, उसको लेटाइए, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए। ठीक, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप पेट के बल उसको लेटा दीजिए, क्योंकि फेफड़े हमारे थोड़े पीछे की तरफ होते हैं तो सांस लेने में आसानी हो जाती है। ठीक, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, यहाँ फर्स्ट एड दिया हुआ है, ठीक, यहाँ फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है ABC। ठीक, ABC फायर क्लास नहीं है अभी, ये फर्स्ट एड का ABC है। ठीक, दोनों को मिक्स मत करिएगा, दोनों को अलग रखना है। ठीक, ABC स्टैंड फॉर एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। पहले एयरवे देखना चाहिए, एयरवे मतलब आपके जो सांस लेने की नली है वो हमेशा साफ होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जनरली चोक नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ फंसी नहीं होनी चाहिए। ब्रीदिंग की, भाई जो बंदा है वो ब्रीद कर रहा है कि नहीं, वो सांस ले रहा है कि नहीं, जो विक्टिम है वो सांस ले रहा है कि नहीं। तीसरा सर्कुलेशन, क्या ब्लड सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं। ठीक, CPR मेथड के थ्रू आपको सर्कुलेशन देना होता है। CPR अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली वो एक प्रोसीजर होता है, उसमें आप सीने पे धीमे धीमे से एक पर्टिकुलर रिदम में जो है प्रेशर देते हैं टैप कर करके, उसको CPR बोलते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा मूवी वगैरह में सांस आने लगती है आपको CPR देने से, तो CPR बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा बाद में, अभी जब प्रैक्टिकल के टाइम इसका वीडियो बनाऊंगा अलग से। और ये है ना, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कार्डियो पल्मोनरी रिजेक्टेशन। ये आपका CPR होता है। ठीक, ये प्रोसीजर होता है। जनरली आपको CPR की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एम्बुलेंस अगर आ जाती है तो वो लोग खुद ही CPR देते हैं। ठीक, और आपका बाकी ये भी चीज़ें हैं भाई, स्टॉप द ब्लीडिंग है ना, और डिक्लेयरिंग डेथ, आपको किसी भी चीज़ को डिक्लेयर डेथ नहीं करना। अगर भी सामने भी वो मर गया है तो उसको डेथ डिक्लेयर नहीं की जाती है, मेडिकल प्रोफेशनल्स के अंडर होता है। ठीक, इमरजेंसी रिपोर्ट करना। ठीक, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक, गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड किसको कहते हैं? गोल्डन पीरियड उसको कहते हैं इंजरी के आधे घंटे तक। ठीक, गोल्डन पीरियड होता है क्योंकि अगर आधे घंटे में एम्बुलेंस नहीं अराइव करती है, एक्सपर्ट्स नहीं आते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं आते हैं, तो इंसान की डेथ हो सकती है गोल्डन पीरियड के अगर बाहर निकल गया तो। ठीक, कोई भी चीज़ होती है तो गोल्डन पीरियड के अंडर, ठीक, गोल्डन पीरियड 30 मिनट्स के अंदर, जो हादसे होने के 30 मिनट के अंदर उसको बचाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक भाई, ये आपके लिए कॉल इमरजेंसी सर्विस, यहाँ देखिए 100 फॉर पुलिस एंड फायर, 100 फॉर एम्बुलेंस, ये नहीं है, ये अब चेंज हो चुका है, ये अब चेंज हो चुका है। ये अब चेंज हो चुका है, ये आपका 100 फॉर पुलिस एंड फायर नहीं है। आपका अब 102 हो गया है, 102, 112, 112 हो गया, 112 हो गया है आपका सेफ्टी नंबर। ठीक, इमरजेंसी नंबर है, उस पर आप सारी चीज़ें बुला सकते हैं। ठीक, ये है CPR। CPR लाइफ सस्टेनिंग होता है, CPR ज़रूरी होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप मत करिए, CPR का मैं गाइड वीडियो बनाऊंगा, या आप यूट्यूब पे भी इसको ढूंढ सकते हैं, CPR का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, बेसिक है कि भाई ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करनी है, ABC दिया है। ठीक, चोक नहीं करना है, इमरजेंसी सर्विस को बुलानी है, बर्न वगैरह हो तो उसको तुरंत देख लेना है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देना है। ठीक, बेसिक बेसिक सेफ्टी टेक्निक्स है, बेसिक फर्स्ट एड है आपका, यहाँ पे बेसिक फर्स्ट एड है। ठीक, अभी आता है वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ठीक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करना लगभग सबको आता है। ठीक, आपका रूरल वेस्ट हो गया, अर्बन वेस्ट हो गया। रूरल में आपका एग्रीकल्चर, डेयरी वगैरह का वेस्ट आता है, जो जनरली
आपका बायोडिग्रेडेबल होता है तो आप कंपोस्टिंग के लिए या बायोगैस प्लांट में यूज़ कर लेते हैं। अर्बन वेस्ट में या जो शहर में वेस्ट आते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। आपके ग्लास कैन वगैरह, बॉटल हो गई, न्यूज़पेपर हो गई, ये सारे सॉलिड वेस्ट होते हैं। लिक्विड वेस्ट आपका जनरली टॉयलेट वाटर वगैरह हो गया, सीवर का जो वाटर होता है। और आपका जो गैसियस वेस्ट जनरली नहीं आता है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट ही आता है। गैसियस कोई वेस्ट नहीं होता है, गैसियस जो भी गैसेस बनती हैं, जो होती हैं, वो जनरली उसको छोड़ दिया जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक, आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वही जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है उसे इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब जो घर से डेली का कचरा वगैरह निकलता है उसे डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब जनरली आपका जो एनिमल्स वगैरह का जो वेस्ट होता है उसे वो एग्रीकल्चरल वेस्ट के अंदर आता है। सब्जियों वगैरह का वेस्ट जो है एग्रीकल्चर, जो सब्जियों के भाई जो आप खेती वगैरह करते हो तो जो चीज़ फालतू की बच जाती है ना, वो उन चीज़ों का एग्रीकल्चरल वेस्ट में किया जाता है। जनरली ये बायोडिग्रेडेबल ही होती हैं, तो ये बायोगैस प्लांट में ही जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। ठीक, और ये लिस्ट और वेस्ट मटेरियल वर्कशॉप, ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है। ये है आपके डायग्राम्स, थोड़े से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, ये आपका हाँ रिसाइकलिंग हो गया, कंपोस्टिंग हो गया, लैंडफिल हो गया, इंसिनरेशन हो गया, रीयूज हो गया। अभी होता क्या, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। वेस्ट कॉम्पैक्शन भी है। रिसाइकलिंग मतलब भाई ऑब्वियसली रिसाइकलिंग, कोई डिब्बे वगैरह में आप कोई चीज़ आई, उस डिब्बे की चीज़ ख़त्म हो गई तो आप उस डिब्बे को किसी और काम में ले लीजिए। ठीक, उसका पॉट्स बना लिया, फ्लावर पॉट वगैरह बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ रिसाइकिल करना हुआ। ठीक, कंपोस्टिंग करना मतलब जो भी आपके खाने के वेस्ट होते हैं, ठीक, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, जो भी आपका खाने वगैरह का वेस्ट निकलता है उसको आप कंपोस्ट में डाल दीजिए। कंपोस्ट मतलब आप ज़मीन में गड्ढा करके उसको डाल दीजिए तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, आपका खाद बन जाती है। ठीक, नेचुरल होता है वो। ठीक, फिर आता है आपका लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब आपने देखा होगा, आप नगर निगम के ऐसे कोने में बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, वहाँ पे पूरा कचरा डंप किया जाता है, डंप यार्ड भी बोलते हैं जिसको। ठीक, वहाँ पे ज़मीन पे कचरा रख दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद जो है उस एरिया को मतलब उस एरिया को पूरा कचरे से ढक करके उसके ऊपर कोई ना कोई जो है या तो पार्क बना दिया जाता है या बिल्डिंग, अगर लैंड स्टेबल है तो बिल्डिंग बना दी जाती है, अदरवाइज पार्क बना दिया जाता है ताकि वो एरिया ख़राब ना हो। लेकिन जब डंप साइट पूरी फिल हो जाती है उसके बाद, ठीक, फिर आता है आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब जला देना, सिंपल। ठीक, इंसिनरेट करना, ठीक, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। इंसिनरेट करने का मतलब जला देना। ठीक, आपका बेसिकली जो पत्ती वगैरह आती है अक्सर लोग नहीं जला देते हैं, उसको जला देना तो वो जो वॉल्यूम है वो आपका सारा का सारा कंबस्ट हो जाता है, सारा का सारा जल जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा आपका ऐश जो है आपकी राख बचती है, उस वो डिकम्पोज हो जाती है जनरली। ठीक, फिर आता है वेस्ट कॉम्पैक्शन। वेस्ट कॉम्पैक्शन आपने देखा होगा, प्लास्टिक वगैरह जब रिसाइकल होने जा रहा होता है फैक्ट्री में तो वो बड़े बड़े क्यूबिकल बॉक्सेस में ऐसे बन के जाता है, ढेर सारी प्लास्टिक बोतल ऐसे कॉम्पैक्ट रहती हैं एक साथ, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है उससे। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड पोजिशनिंग डिफिकल्ट होती है ना, ये इस ब्लॉक स्पेस लेते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस नीड स्पेस, दस मिनट की ट्रांसपोर्टेशन पोजिशनिंग डिफिकल्ट। ट्रांसपोर्टेशन एंड पोजिशनिंग जो है डिफिकल्ट हो जाती है प्लास्टिक कैंस और बॉटल की वजह, तो उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड प्लास्टिक बॉटल द वेस्ट मटेरियल सच एज कैंस एंड प्लास्टिक बॉटल कॉम्पैक्ट इन टू ब्लॉक एंड सेंड फॉर रिसाइकलिंग। ठीक, रीयूज। रीयूज का मतलब भाई आप कोई भी चीज़ है उसको फेंकने से पहले उसको दोबारा यूज़ कर लें। ठीक, कोई भी चीज़ है उसको दोबारा यूज़ कर लें। जैसे जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक, न्यूज़पेपर पढ़ के भाई उसका 2-3 दिन बाद तो कोई काम नहीं है। ठीक, या आपका कोई भी चीज़ें हैं उसको आप दोबारा यूज़ कर लो। जैसे भाई रिसाइकिलिंग और रीयूज बताया ना, रिसाइकिल वही जो डिब्बे में बताया था, अभी अभी मैंने बताया था डिब्बे वगैरह आपके जो आते हैं उनको आप दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक, रिसाइकिलिंग आप रिसाइकिलिंग प्लांट पे भेजते हैं, ठीक, रीयूज़ आप डिब्बों को करते हैं। ये आया, यहाँ पे बेस हो गया, ठीक, इसको आप बदल लीजिएगा। फिर आता है आपका एनिमल फीड भाई, जो आपके अगर आपने कंपोस्ट नहीं बनाया रखा है, ठीक,
आपके पास कंपोस्ट नहीं है, मतलब आप सब्जी के छिलके या फल के छिलके वगैरह को या बेकार सब्जियों को कंपोस्ट में नहीं डाल सकते, तो आप एनिमल्स को दे सकते हैं ना, किसी एनिमल किसी जानवर को आप दे सकते हैं, वो लोग कंज्यूम कर लेंगे। और या फायरवुड कोई भी चीज़ जो वेस्ट है आप उसको जला सकते हैं, अगर वुड है ठीक, तो आप मतलब जनरली बेकार फर्नीचर वगैरह है तो आप उसको आग जला सकते हैं ठीक है, ऐसा कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा में हो तो प्रॉब्लम होगी। फिर आता है आपका PPE, आज काफ़ी ज़्यादा हो गया ठीक। चलो खैर 1 घंटे की क्लास है, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा, आपको इसको रिवाइज भी करना है क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन बैंक भी आएगा ठीक। PPE आता है, PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ठीक, मतलब जो चीज़ आप पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं ठीक, जनरली आपके इसमें ग्लव आ गया, हेलमेट आ गया ठीक, जो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है, ग्लव हो गया, हेलमेट हो गया, रेस्पिरेटर हो गया, ईयर प्रोटेक्शन हो गया ठीक, आई प्रोटेक्शन, गॉगल्स वगैरह हो गए ठीक, तो आपको ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये पूरा चार्ट दिया है, PPE 1 आपका हेलमेट होता है ठीक, PPE 2 आपका फुटवेयर होता है ठीक, PPE 3 आपका रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, PPE 4 आपका आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन होता है, जनरली आपका ग्लव्स वगैरह ठीक, PPE 5 आपका आईज एंड फेस प्रोटेक्शन होता है, आपको मास्क वगैरह, PPE 6 मास्क और शील्ड वगैरह, PPE 6 आपका क्लोथिंग वगैरह होता है, एप्रन वगैरह पहना जाता है, PPE 7 आपका ईयर भी प्रोटेक्शन होता है, ईयर मफ्स लगा लिए जाते हैं, और PPE 8 आपका सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेस होती है। ये याद कैसे करना है, याद ऐसे ही करना है क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है ठीक। PPE 1 भाई हेलमेट से शुरू होता है, सिर से शुरू होता है, पैर से ख़त्म होता है ठीक, हेलमेट, सेफ्टी, फुटवेयर, PPE 1, PPE 2 भाई, 1 2 ख़त्म, 1 2 3 ठीक, ये आ रहा है ना, 1 2 3 है ना, तो हेलमेट, फिर पैर, पैर का फिर नोज़ ठीक, फिर आपका आता है ग्लव्स, आइज, फिर क्लोथिंग, फिर ईयर्स ठीक। ये इन लोग का ये जो है थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसको बनाने कोई ट्रिक नहीं बनती है, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कौन सा PPE जो है किस चीज़ में यूज़ होता है, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा ठीक। अब यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट दिया हुआ है ठीक, अब यहाँ पूरा चार्ट दिया हुआ है, देखिए हेड प्रोटेक्शन ठीक, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट और स्प्लैटर कोई चीज़ लगे ठीक, फुट प्रोटेक्शन किस चीज़ से बचाता है आपको, है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ठीक। एक फिर आपका आता है नोज़ ठीक, डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूम्स, गैस, वेपर से आप जब जनरली सोल्डरिंग वगैरह करते हैं तो वेंट की ज़रूरत होती है ठीक, और मास्क की भी ज़रूरत होती है ठीक। और फिर आपका आता है हैंड प्रोटेक्शन आता है, फिर आपका आई प्रोटेक्शन आ जाता है ठीक, फिर आपका फेस प्रोटेक्शन आ जाता है, इन सब का क्या क्या काम है यहाँ पे सब लिखा हुआ है ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है फेस शील, हेड शील, हैंड शील इसके साथ गॉगल्स के साथ ठीक, ये फेस शील्ड, हेड शील्ड विद और विदाउट ईयर मफ, ईयर मफ आपकी ईयर की सेफ्टी के लिए होता है ठीक, ये देखिए ईयर प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन, हेड शील्ड विद ईयर मफ, ईयर मफ, ईयर मफ इसमें नहीं बनाया गया, ईयर मफ यहाँ पे ईयर मफ्स होते हैं, छोटे से ईयर मफ दिए जाते हैं, वो कंप्लीट आपका कान भी कवर रखते हैं ठीक। फिर आपका एप्रन होता है, ये बॉटल ओपनर नहीं है, ये एपनर, एप्रन है, एप्रन ऐसे पहना जाता है बॉडी पे, ये बॉटल ओपनर नहीं है ठीक, बॉटल ओपनर मत समझना इसको, ये एप्रन है ठीक। और ये दिया है बॉडी गार्ड ठीक, मतलब वो बॉडी गार्ड वाला बॉडी गार्ड नहीं, ये बॉडी गार्ड वाला बॉडी गार्ड, मतलब ये वाला बॉडी गार्ड की पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए ठीक, ये कोविड का वर्कर लग रहा है, बट हाँ PPE इसीलिए यूज़ होता है। PPE आपने देखा भी होगा, जो कोरोना के नर्सेज वगैरह पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं, वो पूरा PPE ही होता है ताकि उनको प्रोटेक्ट रखे ठीक। ऑब्वियसली अब इंडस्ट्री का PPE और डॉक्टर्स का PPE अलग होता है ठीक, तो कक्ष नहीं है ना, तो ये वो वाला बॉडी गार्ड नहीं है, मूवी वाला बॉडी गार्ड नहीं है, ये बॉडी वाला बॉडी गार्ड है, ये बॉडी को बचाने वाला बॉडी गार्ड है, अपनी बॉडी को बचाने वाला बॉडी गार्ड है ठीक। ये देखिए क्वालिटी ऑफ PPE, आपको हाई क्वालिटी PPE यूज़ करना है हमेशा ठीक, सस्ता वाला नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है ठीक। PPE आपका है ठीक, ये बेसिक को दिया है भाई, ये आप पढ़ सकते हैं खुद से ठीक, अगर आपको इसका PDF हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, ये सब आप पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के मामले में ठीक, सारे हैज़ार्ड दिए हुए हैं किस चीज़ें से जो है दिक्कतें आ सकती हैं आपको ठीक। ये देखिए यहाँ सेफ्टी स्लोगन दिया हुआ है, सेफ्टी रूल ब्रेकर इज एन एक्सीडेंट में, तो कोई भी जो सेफ्टी रूल को तोड़ता है वो एक्सीडेंट को जो है एक्सीडेंट हमेशा करवा सकता है, करवा सकता क्या, करवा देगा ही ठीक।
क्लीनलीनेस ऑफ वर्कशॉप एंड मेंटेनेंस वही सिंपल, इसमें ज़्यादा टाइम वो करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल साफ़ सफाई आपको वर्कशॉप में रखनी, कहीं भी जो है गंदा नहीं होना चाहिए, फ्लोर स्लिपरी वगैरह नहीं होना चाहिए, ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए, जो आपकी बेंचेज हैं वो साफ़ होनी चाहिए हमेशा, ताकि आप काम कर सको, है ना, काम कर सको। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे छोटा सा सिस्टम दिया हुआ है, 5S, ठीक, 5S, ठीक, 5S कॉन्सेप्ट। अब ये जैपनीज कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जैपनीज कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये जैपनीज कॉन्सेप्ट है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, सेई री, सेई तोन, सेई सो, सेई स्कू, सेई तुसुर, ठीक, ये सारे जैपनीज नेम्स हैं, ठीक, इसीलिए इनका इनको अलग तरीके से बोले, सेरी बोला जाता है, सीतोन बोला जाता है, सेटोन नहीं बोला जाएगा, सेतोन बोला जाएगा, सीसो बोला जाएगा, ठीक। ये आपका बेसिकली ये है कि 5S में किस तरह से आपको जो है हाई प्रोडक्टिविटी में, आपको हाई एफिशिएंसी के साथ आपको कोई भी चीज़ें चलानी है, ठीक। तो ये 5 स्टेप हैं। देख, पहला स्टेप है सॉर्टिंग आउट, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। दूसरा है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सॉर्ट करके अरेंज करना, ठीक है। तीसरा है शाइन एंड क्लीनलीनेस, ठीक, उसको सब साफ सफाई रखना। चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज कर दो सारी चीज़ों को, विद इन स्टैंडर्ड्स आपको यूज़ करना है, सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। और फिफ्थ है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब भाई आपका जो है वर्क एथिक्स आ गई आपकी। सेम चीज़ें हैं, बेनिफिट्स ऑफ 5S यहाँ पे है, वर्क प्लेस बिकम्स क्लीनर एंड बेटर ऑर्गेनाइज, वर्किंग एंड वर्किंग प्लेस बिकम्स ईजी है भाई, आसान हो जाता है, साफ हो जाता है। कहाँ था मैं, हाँ, जो बेनिफिट्स ऑफ 5S, आपका वर्क प्लेस क्लीनर और अच्छी हो जाती है, काम करना आसान होता है, कॉस्ट में रिडक्शन होता है, पीपल डिसिप्लिन होते हैं, डिले अवॉइड होता है, एब्सटिनीज मतलब एबसेंट माइंडेडम, ऐसे एबसेंट लोग कम रहते हैं, थोड़ा एक्टिव रहते हैं, बेटर यूज ऑफ फ्लोर स्पेस, एक्सीडेंट कम हो जाता है, हाई प्रोडक्टिविटी विद क्वालिटी। तो 5S कॉन्सेप्ट जो है ये जापानीज कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ का नहीं है, यहाँ पे दिया होना चाहिए, नहीं दिया है, यहाँ पे 5S व्हील भी दिया है, ठीक। नहीं दिया है कहीं भी, बट ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। और ये 5 चीज़ें हैं जो आपको किसी भी वर्किंग कंडीशन में ये 5ों चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। 5ों स्टेप अगर फॉलो हो रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें भाई, आप एक्सीडेंट कम हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन, वर्किंग आसान हो जाएगी, ठीक, प्लेस साफ सुथरी रहेगी आपकी, लोग कम एब्सेंट माइंडेड रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसका ये ख़त्म हो चुका है, ठीक, ये बचा नहीं है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। इसके बाद आते हैं टूल्स, टूल्स अगली क्लास में पढ़ाऊँगा, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप ये पूरी क्लासेस चलने वाली हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा अगर कोई भी चीज़ मिस हो रही है या कोई चीज़ गलत हो गई हो तो उसको नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। या आपको अगर प्रैक्टिकल्स भी करने हैं तो उसको भी मैं करवा दूँगा, और ऑनलाइन ही मैं प्रैक्टिकल सारे टूल्स वगैरह समझा दूँगा आपको, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए अब बाय बाय, और क्या।